मेरी अम्मा जी का कहना है कि जी मेरी अम्मा आपको खुद ही बताएंगी। हाँ जी माँ जी, मेरा फैसला में दिल ही लगता ना मुझे। Assalamualaikum everyone, this is me Mirza Masar Beg. Welcome to my YouTube channel. Welcome back to my and other vlog. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे, जबरदस्त होंगे, जैसा कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह टाक टान हो चुका हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि यार केजन से बात कर रहा है, तो मैं आप कल बताया था कि हम लोग सीढ़ी तहसीरी पर घूम रहे थे, तो वो आज इसको ना मैंने ये सारे भून लिए हैं। भूनने के बाद जब मैं इसको जा रहा हूँ कटवाने के लिए, रुमाल रोटी वाले रुमाल से डाल दे ताकि किसी की नज़र ना पड़े। चलो चलिए, प्यारी समझ गई। इसको जी मैंने गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद मैं जा रहा हूँ मुंबई की तरफ। वो जी इसको जो हमारे डूडू की फ्री पाई है ना, वो उसके मकमों का सारा कुछ लदा लदा करते हैं। अच्छा ये जी हमारा डूडू जो है वो उसकी तरफ लास्ट आपको दिखा रहे हैं शक्ल, इसके बाद हमारे पेट में होगा उसके बाद। लो जी, जो मैं सीढ़ी पाए कटवा के सुबह लाया था, हाँ बाबा जी मज़ा आ गया, चाच आ गई थी। तो ये हमारे घर अब सीढ़ी पाए का जो सालन है ना वो बन चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़। ये जी वाह सारी बोटियाँ जनाब। तो ये सालन, ये जी नान, तो आप जी मैं इसको देने लगा हूँ गेड़ा। गेड़ा देने के बाद मुलाकात होती है। मैं आज फ्री था, मैंने सोचा कि मैं कहा यार जाके ना आज गाड़ी वॉश करवा लेता है। गाड़ी बहुत ही गंदी हुई हुई थी, मैं कहता हूँ कि दिल खराब हो रहा था गाड़ी देख के ना। काफ़ी दिन हो गए थे कि कहीं हम आए गए नहीं थे, घर के बाहर ही खड़ी भी थी। तो अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी वॉश करवाने के लिए, क्योंकि इसमें जी हमने ये कहे थे बकरे जो बकास पाई किसी गांव में से जाके बकरे लेके आए थे ना, वो गाड़ी में ही डाल के लाए थे। और ये देखेंगे मैंने सारी सीटें झूठे सारी सारे इसके क्लीन शलीन हर चीज मैंने ना निकाल के रखी हुई है। अब जी उसको जाके वॉश करवाते हैं, वॉश कराने के बाद आपको फिर लुक दिखाते हैं कि जी अच्छा दूसरी गाड़ी। अभी तो मेरा ख्याल दो तीन गाड़ियां लगी हुई हैं। मैं जी पहुंच गया हूँ सर्विस स्टेशन के करीब। चलें जी पूछते हैं चल के कितना का टाइम लगेगा। लो बाबा जी मैं पहुंच गया हूँ सर्विस स्टेशन में, मेरे से आगे एक गाड़ी लगी हुई है। अब जी हम निकलते हैं गाड़ी से बाहर। मुझे आप लुक देख सकते हैं इस टाइम कितनी गंदी मंदी गाड़ी हुई हुई है। म्यूजिक जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गाड़ी वॉश हो चुकी है। अब जी चलते हैं घर की तरफ, बल्कि एक दो काम है वो करके तो फिर चलते हैं हम घर की तरफ। अच्छा यार एक बात है, जब हम गाड़ी को सर्विस करवाते हैं, एक तो गाड़ी बड़ी ठंडी ठंडी हो जाती है, दूसरा ये है कि ना गाड़ी हल्की फुल्की सी हो जाती है। ऐसे होता है कि जैसे ना इसमें जान आ गई है, एक अजीब सी रौनक सी आ जाती गाड़ी में ना यार, हल्की फुल्की हो जाती है चलाने का ना, बड़ा ही मजा आता है, दिल करता है बस इसको भगा के ना ले जाए। गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा होने की वजह से मैं भी दोबारा से ना आया हूँ, ना आगे कपड़े कपड़े चेंज किए हैं कपड़े। मैं जी फैक्ट्री जा रहा हूँ, फैक्ट्री में होटलें लेनी है मैंने, और चल के दिखाता हूँ फैक्ट्री भी आपको। और मैं आज फैक्ट्री में जहाँ पे आपको बताया था कि मुझे कुछ बोतलें चाहिए थी, वो इनका जो सफाई का निज़ाम है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरी बात ये है कि इनको लाइसेंस भी मिला हुआ है पूरी अथॉरिटी की तरफ से, और सफाई का आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने कैप वगैरह ये मशीनें हैं यहाँ पे जितने तालाब है इसके अंदर, इससे ये बोतलें वॉश होती हैं वो। लेकिन एक सेकेंड, और यहाँ पे ना ये सारी इनकी फिलिंग होती है। इस टाइम फिलिंग तो नहीं चल रही, मगर आपको अगर फिलिंग चल रही होती तो मैं आपको वो भी दिखाता। ले आ रहा जी अब इनसे मैं बोतलें लेके तो फिर चल रहा हूँ अपनी शॉप पर।
और जी मेरी अम्मा जी ना घर से निकलने का बहुत कम शौक रखती हैं, रात के टाइम हो या दिन के टाइम हो, दिन के टाइम उनके पापा आना होता है कि जी मेरा गर्मी बहुत है शाम को चलेंगे, रात को होगा कि मेरा दिल नहीं कर रहा। आज जी मैं दुकान से निकलने लगा था, शॉप से निकलने लगा तो मैंने उनको कॉल कर दी, मैं कहा जी आज हमने ना जरा बाहर थोड़ा सा फिरने चलते हैं। तो लिहाजा जी अब अम्मा जी चुप करके गोला खा रही है। हम जी बाहर निकले थे, हमें जी गोले वाले जो है ना शॉप नज़र आई, तो लिहाजा हमने वहाँ से जी गोला इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम। तो जी मैं भी खा रहा हूँ, अम्मा जी भी खा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी माँ ना बहुत कम बाहर निकलती है, हाँ लाहौर जाती हैं उधर से वापस आ जाती हैं, मगर फैसलाबाद जो है ना वो नहीं निकलती। अम्मा जी का कहना है कि जी मेरी अम्मा आपको भी बताएंगी। हाँ जी माँ जी, फैसलाबाद में जी मेरी माँ को फैसलाबाद रहते तकरीबन को 26-27 साल हो गए हैं, मगर मेरी माँ को फैसलाबाद नहीं पसंद। अम्मा जी इधर से सीधा लाहौर जाती है और फैसलाबाद नहीं निकलती। और दूसरी बात, अगर अम्मी ने शॉपिंग पे जाना हो या मेरा कोई पैसे लगवाने हो तो वो कहेंगी जी चल आओ मुसाजरा ने ये चीज़ें लेने जानी है तो गाड़ी निकालो चलें, मगर मेरी माँ ने, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी माँ ने मेरे साथ अभी तक लंबा सफ़र नहीं किया, कहते हैं कि तेरे से डर लगता है। पूरा फैसलाबाद मेरे साथ मिलती है। मेरा गोला यार मेल्ट हो रहा है। मैं जी बस मुझे अपना घर मेरा ना मैं जाती मेरे से लड़ाई भी हो जाती है। और जी मेरी माँ को अभी तक यहाँ का नाश्ता नहीं पसंद आया, कि कहते हैं ना कि नाश्ता कोई पसंद आया मेरी माँ को नहीं जी, बिल्कुल किसी किस्म का कोई नाश्ता पसंद नहीं है। हमारे इतने पैसे लगे थे, अम्मी एंड पे कहती हैं जो लाहौर का नाश्ता ना वो लाहौर का ही है। यहाँ पे हम करते हैं व्लॉग का एंड, आई रियली होप एंजॉय द वीडियो। नहीं If you like the video, please like, share and comment. क्या? क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल, चल। Stay blessed, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, नई जोश, नई खुशियों, नई उम्मीदों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।